रहमान रहीम अफ़गानी ऑमलेट की रेसिपी के साथ मैं हाज़िर हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। हमें चाहिए 5 eggs, 5 अंडे हमने लिए हैं, इसके साथ हमने थोड़ा सा धनिया कटा हुआ लिया है। ऑयल हम अपने हिसाब से लेंगे 3 to 4 tablespoons। 1 teaspoon के करीब हमने नमक, रेड चिली पाउडर, चाट मसाला और काली मिर्च पाउडर लिया है। 1 बड़ा आलू मैंने क्यूब्स में कटिंग कर लिया है। 2 बड़े टमाटर मैंने लिए थे उसको क्यूब्स में काट लिया है। 5 से 6 हरी मिर्चें मैंने बारीक बारीक काट ली हैं और 1 बड़ा प्याज जो है वो मैंने चॉप कर लिया है। हॉट सॉस लेंगे हम, इसको यूज़ करेंगे और चलते हैं अब अपनी रेसिपी की तरफ। आप लोग ये तमाम मसाले अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, मैंने पैन में सबसे पहले ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा ऑयल, तो इसके बाद मैंने इसमें क्यूब में कटे हुए आलू डाले हैं। आपके पास बड़ा आलू नहीं है, आप 2 छोटे मीडियम साइज़ के आलू भी ले सकते हैं। क्यूब्स में बारीक बारीक काट लेंगे क्योंकि ये जल्दी गल जाते हैं। ठीक है, इनको हम फ्राई कर लेंगे, अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ब्राउन कलर इस पर आना चाहिए, ब्राउन कलर आ जाएगा तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। अच्छा, ये मैंने फ्राई कर लिए हैं, आपको नज़र आ रहा होगा ये अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। इसके अंदर मैंने प्याज डाल दिया है 1 बड़ा क्यूब में बारीक चॉप कटा हुआ है ऑमलेट कटिंग में। अच्छा, आपके पास बड़ा प्याज नहीं है तो आप 2 छोटे प्याज, 2 मीडियम साइज़ के प्याज भी ले सकते हैं। ये सब आप लोग अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से मसालों को एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपको पसंद हो। ज़्यादा पसंद हो तो आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह इसको ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। उसके बाद मैंने इसमें नमक डाला है, नमक मैंने 1 teaspoon लिया था, आप लोग अपने हिसाब से चख के एडजस्ट कर लीजिएगा। अच्छा, नमक इसलिए पहले मैंने डाला है क्योंकि नमक से जो है वो प्याज वगैरह ये जल्दी ब्राउन हो जाता है। इसके बाद मैंने इसमें डाला है टमाटर, क्यूब में कटा हुआ टमाटर है, बारीक क्यूब में कटा हुआ। जूसी टमाटर्स लेंगे तो उसका ज़्यादा अच्छा, मतलब रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, तो कोशिश कीजिएगा कि जूसी टमाटर यूज़ कीजिएगा। तो मैंने इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर यूज़ किए हैं। अच्छा, अब इस पे लेट लगा देंगे हम ताकि इसको आराम से गलने देंगे, ये तमाम टमाटर वगैरह गल जाएंगे। अब गलने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से दोबारा से मिक्स कर लेना है। सॉफ्ट हो चुके हैं मेरे टमाटर। मिक्स करने के बाद अब इसमें तमाम मसाले और जाएंगे। अब मैं आपको बता रही हूँ, इसमें आपने चाट मसाला डालना है और ब्लैक पेपर पाउडर डालना है, रेड चिली पाउडर डालना है। ठीक है, अपना हिसाब रखिएगा। मेरे यहाँ थोड़ा सा स्पाइसी खाया जाता है तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। अगर टमाटर प्याज ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा डलेगा। 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें हॉट सॉस डाली है। ठीक है, आप ये भी अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। अगर ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद है तो आप इसको कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ डाली हैं। ग्रीन चिलीज़ आप ये भी कम कर सकते हैं, चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि बच्चे ग्रीन चिलीज़ नहीं खाते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मैंने, आप ग्रीन चिली को बिल्कुल निकाल भी सकते हैं। अब इसमें मैं 5 अंडे तोड़ के डालूंगी। इस तरह से आपने एक नीचे जैसे पिज़्ज़ा का एक लेयर बनाते हैं, इस तरह का लेयर बना के इसके ऊपर हमने ये 5 अंडे इस तरह से तोड़ के डाल देने हैं। अच्छा, अंडे इसमें आप 6 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं। मसाला ज़्यादा बनाएंगे तो ज़्यादा अंडे भी बन जाएंगे। और फ्राई पैन आपको बड़ा यूज़ करना है, लिड वाला। ये मैंने 5 अंडे इसमें डाल दिए हैं और अब मैं इसकी लिड लगा के इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम दूंगी, लेकिन मुझे फुल कुक नहीं करना। मेरे ये अंडे देख लें आप, कलर चेंज हो चुका है इनका, बस कलर ही चेंज करना है। अगर किसी को ज़्यादा कुक पसंद है तो वो इसको ज़्यादा देर दम दे सकते हैं। और इसको वैसे थोड़ा सा गीला गीला रखते हैं, जर्दी इसकी फुल कुक नहीं होती। अच्छा, इसके ऊपर मैं अब थोड़ा सा धनिया जो मैंने काट के रखा था वो स्प्रिंकल कर दूँगी। धनिया ऑप्शनल है, आपके पास है तो आप डाल दें, नहीं है तो ये ऐसे भी सही रहेगा। हल्की आँच पर आपने इसको पकाना है। और ये आप, इसके बाद ये मेरा जो है ऑमलेट बिल्कुल रेडी है। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर काली मिर्च पाउडर भी स्प्रिंकल की है, आप थोड़ा सा इस पर काली मिर्च का पाउडर भी छिड़किएगा, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ठीक है, काली मिर्च का पाउडर स्प्रिंकल करके इसको आप सुबह नाश्ते में पराठे के साथ सर्व करें।